हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाचिंग टेक्निक इंडिया। आज की हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही एक्साइटिंग कंपैरिजन, मोटो ZX2 वर्सेस है हमारा TCL फैलकॉन। तो मेरे पास मोटो ZX2 का 40 इंच वेरिएंट मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसका 55 इंच वेरिएंट यूज़ कर रहा हूँ। बट सबसे ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई हमें 43 इंच या 40 इंच से ऊपर वाला टीवी लेना है तो हमें कौन सा लेना चाहिए, मोटोरोला या TCL। तो ये एक बहुत ही नेक टू नेक कंपैरिजन है इन टर्म्स, क्योंकि यार चीज़ें बहुत डिफरेंट है लिटरली, बट कोई किसी में प्लस है तो कोई किसी में माइनस है। तो चलो बिना रुके देखते हैं आगे वीडियो की कौन सा हमें लेना चाहिए और किसका कैसे यूज़ है और कौन सा बेटर है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़। आई एम वेरी नियर टू 1000 सब्सक्राइबर, तो यार मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मायने रखता है ये माइलस्टोन, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, TCL वर्सेस मोटोरोला। तो भाई यहाँ पे आ गए हैं TCL और मोटोरोला के दोनों का, एज जो टेक्निक कंपैरिजन जोन है उसमें पहुँच चुके हैं हम। तो सबसे पहली चीज़ हमारी जो कंपैरिजन की है वो है डिस्प्ले। तो यार डिस्प्ले जो उसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसके अंदर, टीवीज़ के अंदर, तो ये डिस्प्ले कंपैरिजन है। तो मैं आपको साथ ही साथ वीडियो भी दिखा दूंगा वीडियो के अंदर, जो कि मैंने रिकॉर्ड करी है दोनों टीवीज़ की, जिसको आप देख के और बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नो डाउट मेरे को पता है कि उन वीडियोज में आप ज़्यादा देख के नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा और मेरे ऊपर आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने दोनों टीवी बहुत टाइम तक देख लिए हैं और काफ़ी अच्छे से मैंने अनुमान लगा लिया कौन सा बेटर है क्या है क्या नहीं है। तो यार ये मोटोरोला का टीवी का जो डिस्प्ले है वो उसको मैंने 16 पॉइंट्स दिए आउट ऑफ 20, बाकी सब 10 में से हैं सिर्फ डिस्प्ले को छोड़ के, क्योंकि आई फील डिस्प्ले इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीवी और यहाँ पे TCL को 20। तो यहाँ रिलेटिव मार्किंग है, तो किसी को एक को फुल मिलेगी तो एक को कुछ कम, तो ये रिलेटिव ही रहेगा यहाँ पे। क्यों इसको 20 मिले हैं, क्योंकि इसके जो हमारे पास व्यूइंग एंगल्स हैं वो बहुत ही बढ़िया है, व्यूइंग एंगल्स ग्रेट, प्लस ये ट्रू 4K देता है आपको बेसिकली। अगर आप देखोगे ना तो ये वाला जो आपका टीवी है वो ट्रू 4K एक्सपीरियंस देगा आपको, पर ये वाला देगा वो होगा अपस्केलिंग 4K। नो डाउट इसका भी बहुत अच्छा पैनल है, कोई दिक्कत आपको ऐसा व्यूइंग में नहीं आएगी, थोड़ा व्यूइंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, स्लाइट ग्रीनिश दिखता है अगर आप साइड से देखो तो, बिल्कुल साइड से, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप टेढ़े बैठे तो आपको दिख रहा है, बिल्कुल साइड से देखोगे तो हल्का स्लाइट ग्रीन वाला जो फील है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा इसके अंदर, जिस वजह से मैंने इसके यहाँ पे 4 पॉइंट्स कट किए। अगर आप सामने से देख रहे हो नो डाउट टीवी अच्छा है, बट अगेन उसके प्रीसेट्स जो आते हैं वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, तो मुझे यूज़र खुद से क्रिएट करना पड़ा जिससे मैंने देखना मुझे ठीक लगा, तो मैं इसीलिए इसको 16 पॉइंट्स ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं दे पाऊँगा। रही बात सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है भाई। अगर मैं सॉफ्टवेयर देखूँ तो इससे अच्छा सॉफ्टवेयर मैंने किसी टीवी का आज तक नहीं देखा। इनफैक्ट अगर आप फायर स्टिक नई से नई वाली ले लोगे उसके बराबर या कहीं पे उससे पावरफुल भी हो जाता है इसका सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये एंड्रॉयड 10 पे चलता है। स्टिल मैंने इसको फुल क्यों नहीं दिया 9.5, अगर आप इसको 9.8 भी ले सकते हो, 9.7 भी ले सकते हो, क्यों ये थोड़ा सा 2.2.3 मैं इसका कट कर रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि प्राइम वीडियो में जो स्लाइट ग्रीन जिटर मारता है ना, वो भी मैं आपको वीडियो में टैग थोड़ा सा दिखा दूंगा उसका पार्ट, वो जिटर मारता है, उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसका पॉइंट कट किया क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इशू ही है, क्योंकि बाकी किसी ऐप में ऐसा इशू नहीं आता सिर्फ प्राइम को छोड़ के, तो इसीलिए यहाँ पे इसका 1.5 मार्क्स मैंने डिडक्ट किया है, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा स्मूथ है, मतलब यू कांट इमेजिन। मैंने एक दूसरी वीडियो भी बनाई है इसकी स्पेशली पूरी मोटोरोला की, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, अल्ट्रा स्मूथेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा आपको सॉफ्टवेयर में। और इसके अंदर थोड़ा स्लगिश और लैगी हो जाता है, बट देखो यार कंटेंट प्ले होने के बाद ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है, वंस इन अ वाइल मेरे को लगता है वो जो लिपसिंक वाला इशू है, बट वो लिपसिंक वाला इशू मैनेजेबल है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है वो डीले सिंक को एडजस्ट करने का, तो मैं इसको 7.5 दे सकता हूँ सिर्फ हल्का लैगी होने की वजह से, नहीं तो कंटेंट प्ले के बाद कोई इशू नहीं आता है, तो ये भी ठीक ठाक है, यूज़ करा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि यूज़ ही नहीं हो सकता, तो काफ़ी डिसेंट आप ले सकते हो इसको भी इन केस में। रिमोट मैं आपको दोनों के दिखा देता हूँ, रिमोट में यार देखो पर्सनल प्रेफरेंस ज़्यादा हो जाती है, मुझे ये ज़्यादा बेटर क्यों लगा, देखो ये वाला रिमोट कॉम्पैक्ट ज़रूर है बहुत ज़्यादा, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे,
TCL के रिमोट की। ये कॉम्पैक्ट ज़रूर मिल रहा है आपको, बट इसके अंदर आप कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ मिस कर देते हो, जैसे मल्टीपल, जैसे इसके अंदर मुझे YouTube का बटन मिलता है जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, मुझे YouTube भी मेजरली चलाना होता है, Netflix मिलता है इसमें, और प्ले स्टोर का भी डायरेक्ट बटन है। Z5 का मुझे बटन का इतना यूज़ नहीं लगा अपने लिए, बट मे बी आपके लिए हो, तो जितना ज़्यादा बटन है उतना अच्छा है, इसीलिए मैंने इसको 10 दिया। और इसको 9.5 इसीलिए दिया है डिस्पाइट कम होने की वजह से कि कॉम्पैक्ट बहुत है। बट यार देखो, टेक्निकली अगर रिमोट थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा तो इतनी दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमें घर में ही यूज़ करना है ऑब्वियसली, बट कॉम्पैक्टनेस के लिए इसको थोड़ा एक्स्ट्रा तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि यार इजी टू होल्ड है और काफ़ी ज़्यादा सही है। तो पर इसको पूरे मिलेंगे भाई बिल्कुल, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी और ज़्यादा कीज़ देता है, तो बढ़िया है ये चीज़ में। दोनों का गूगल असिस्टेंट बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी ये देता है आपको 40 वॉट्स के स्पीकर, ये आपको मिलते हैं 20 वॉट्स के। बट भाई वॉट्स से मत जाना, मैं आपको अगेन दोबारा बता रहा हूँ, अपनी सारी वीडियोज़ में, TCL की वीडियो में भी मैंने बताया, मोटो की वीडियो में भी बताया कि वॉट्स से हमारी बेसिकली वो लेने की पावर होती है, कितना पावर लेता है वो आपका साउंड जनरेट करने के लिए। बट साउंड आपकी डेसिबल में होती है, तो यार डेसिबल में साउंड होने की वजह से इन दोनों में ऐसा सा फ़र्क नहीं है कि 40 वॉट्स और 20 वॉट्स में डबल का फ़र्क आ जाएगा साउंड में। नो डाउट थोड़ी सी लाउड है, हल्का पंची है इसकी साउंड, तो इसलिए मैंने इसको 10 दिया, बट इसकी साउंड नो लेस कहीं पे भी दूर नहीं है। तो आप 20-40 वॉट्स के गिमिक में मत आना, तो ये काफ़ी डिसेंट है, थोड़ा सा कम है नो डाउट, ऑब्वियसली ये 40 वॉट्स है तो उसका 3-4 decibel जो भी अब आपकी आवाज़ रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, तो इस वजह से ऑब्वियसली ये लाउड है, प्लस इसकी क्वालिटी भी बेटर है नो डाउट, थोड़ी सी पंची आई गेस, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ 10 दिया। प्राइस वाइज यार दोनों का बहुत बढ़िया है, इसका प्राइस आपको अभी 21K मिल रहा है, इसका प्राइस 24K मिल रहा है, जो कि जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो टीवी है 40 इंच वाला है, ये 43 इंच वाला है, तो भाई आपको यहाँ 3 इंच फालतू मिल रहे हैं, तो यार 2-3 हज़ार रुपये तो मेरे को लगता नहीं है कि मैं किसी के भी पॉइंट्स कट कर सकता हूँ इसमें, तो दोनों ही बहुत ही बढ़िया है इसमें। 5 GHz का वाईफाई है भाई, सबसे बड़ा एडिशनल फीचर अगर आप देखो तो, देखो एक तो कॉमन है जो HDMI ARC वाला होता है, इसके अंदर बेसिकली आप साउंड बार वगैरह लगा सकते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया साउंड करेगा इसके अंदर। बट जो मेन इसकी हाईलाइट है ना मोटोरोला के टीवी की, जो इस वक्त इसके अलावा किसी टीवी में नहीं आता, वो है 5 GHz वाईफाई सपोर्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि फ्यूचर यही है भाई। 5 GHz का अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा तो आगे फाइबर अगर आपके घर पर लगा हुआ है तो थोड़ी आपको स्पीड कम मिलेगी। प्लस मेरे घर तो अभी फाइबर नहीं है, बट जितने भी मेरे दोस्त के घर फाइबर हैं, एयरटेल ले लो, जियो ले लो, तो उनके 2.4 GHz सक्स, बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है, उसके अंदर नेटवर्क ड्रॉप मिलता है, स्पीड कम मिलती है, तो आई एम स्ट्रेंज कि मतलब वो ऐसा क्यों होता है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, फ्यूचर प्रूफिंग रहेगी अगर आप 5 GHz वाला वाईफाई लेंगे तो। तो ओवरऑल एक बार देखें तो भाई ओवरऑल 55.5 और 56 बनता है, जो कि काफ़ी नियर है। बट देखो यार, इसमें इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो इजीली डिफरेंशिएट? अगर आपको कुछ, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसकी डिस्प्ले का है ना, वो ग्रीनिश वाला अगर आपको बॉदर ना करे, अगर आपको बहुत ही साइड से देखो, तो वैसे तो कोई भी नहीं इतना, लिटरली मुझे भी बॉदर नहीं करता वो इतना, बट स्टिल अगर आपको थोड़ा सा भी बॉदर करता है तो यू कैन गो विद द TCL पार्ट, और साथ में आप फायर स्टिक लगा सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस में। बट अगर आपका मन ये है कि भाई नहीं, आपको बढ़िया टीवी स्मूथ वाला अच्छा चाहिए, जिसके अंदर आपको फुल बढ़िया सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिल सके, आपका रिमोट बहुत बड़ा सा हो, उसके अंदर साउंड आपको पंची मिले, 5 GHz सिक्योरिटी मिले, फ्यूचर प्रूफिंग वाली चीज़, आपके अगर अभी भी फाइबर है तो वो मिले, तो आप मोटोरोला पे जाना, क्योंकि भाई मोटोरोला इज़ नो लेस। वो अगर आपको बॉदर ना करे हल्का ग्रीनिश वाला पार्ट, मुझे थोड़ा सा बॉदर करता है कभी कभी, बट एक्चुअली मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं मेजरली टीवी सामने से देख रहा होता हूँ, और वो सामने 1% भी नहीं आता जो भी चीज़ है, तो मेरे को इतने इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, और मैं कोई रिग्रेट नहीं कर रहा इसको लेने में, ना ही मैं रिग्रेट कर रहा हूँ अपने TCL को लेने में। दोनों अपनी जगह बहुत ही बढ़िया है, बट अगर मुझे कंक्लूजन देना होगा तो मैं आपको कहूँगा कि देखो, मैं अगर होता, अगर मुझे पहले चीज़ पता होता तो मैं डिस्प्ले को बेटर प्रायोरिटी देता। क्यों? क्योंकि भाई डिस्प्ले इज़ दी कोर ऑफ द टीवी, क्योंकि बाकी सब चीज़ें चल जाती हैं यार, साउंड बार लगा के साउंड इंक्रीज कर ली, फायर स्टिक लगा के सॉफ्टवेयर कर लिया, बट डिस्प्ले इज़ अ कोर थिंग। तो मैं इस चीज़ को देखता तो मैं TCL प्रेफर करता, क्योंकि डिस्प्ले कोर है। मैंने मोटोरोला ले लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको रिटर्न नहीं करा रहा, मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ, बट
जो डिस्प्ले है TCL का बेटर है तो मैं उसकी तरफ जाता, बट आपको अगर फीचर वाइज जाना है तो Motorola इज़ अ नॉट अ बैड चॉइस, क्योंकि 5GHz का वाईफाई इज़ रियली रियली गुड थिंग, जो कि अभी मार्केट में कोई और आपको नहीं दे रहा है। तो यही आज की यार मेरी वीडियो, आप सब्सक्राइब ज़रूर करना यार मेरे चैनल को, मैं बहुत ज़्यादा मीन करता है मुझे ये आपका सब्सक्रिप्शन, और मेरे 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यार अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो लाइक करेंगे और जिनको भी TV लेना है उसको शेयर करेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय टाटा।